तेरी मंजिल तेरे अंदर तेरे रास्ते तेरी किस्मत तेरे हाथों चुन ले अपना सफर सफर तेरा हुनर हुनर तेरी कदर कदर तेरा हुनर हुनर तेरी कदर कदर। हेलो स्टूडेंट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट प्लम्बिंग के यूनिट थर्ड के थर्ड लेक्चर में आप सबका वेलकम करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने प्लम्बिंग पाइप्स पढ़ी थी, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्लम्बिंग पाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप्स। एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप्स कौन सी पाइप्स होती हैं? पहले हम समझेंगे ये एस्बेस्टोस क्या होता है। एस्बेस्टोस एक नेचुरल सब्सटेंस है जो जमीन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रॉक मिल सकता है। अब अगर हम कोई पाइप इस मटेरियल से और सीमेंट के मटेरियल से बनाते हैं उसको एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप कहते हैं। इसकी अपनी एडवांटेज भी है और अपनी डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज क्या है? एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप विदस्टैंड कर सकती है मोर वाटर प्रेशर देन एक नॉर्मल सीमेंट पाइप से। इन पाइप्स का लाइफ लॉन्ग साइकिल होता है, इनमें हायर क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है और इनको हैवी ट्रैफिक के नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी डिसएडवांटेज ये भी है कि जब इसको कट करते थे हम तो ये ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस करता था और उससे प्लम्बर्स को या वर्कर्स को बहुत खतरा होता था, जैसे उनके हेल्थ इश्यूज होते थे, एग्जांपल लंग कैंसर के खतरात बढ़ रहे थे। इसीलिए अब ये रिप्लेस हो रहे हैं पीवीसी पाइप से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंक्रीट पाइप्स। कंक्रीट पाइप्स कौन सी पाइप्स होती हैं? कंक्रीट पाइप्स वो पाइप्स होती हैं जो बनी होती हैं क्रशड स्टोन से, सैंड से और सीमेंट से। कंक्रीट पाइप्स के बहुत टाइप्स होते हैं। पहला टाइप अनरीइंफोर्स्ड पाइप्स। अनरीइंफोर्स्ड पाइप्स वो पाइप्स होते हैं जिनमें हम रीइंफोर्समेंट एड ही नहीं करते हैं, वो प्लेन कंक्रीट के बने होते हैं। और दूसरा टाइप होता है रीइंफोर्स्ड पाइप्स। रीइंफोर्स्ड पाइप्स वो पाइप्स होते हैं जिनमें हम रीइंफोर्समेंट ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयरन मैश इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टाइप होता है प्रीस्ट्रेस्ड पाइप्स। प्रीस्ट्रेस्ड पाइप्स वो पाइप्स होते हैं, इनमें भी हम रीइंफोर्समेंट ही ऐड करते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ आयरन रिंग्स यूज होती हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे। और कंक्रीट पाइप्स जनरली वाटर ट्रांसमिशन के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। अगर हम इनको वाटर सप्लाई में इस्तेमाल करेंगे तो लार्ज डाया कंक्रीट पाइप्स इस्तेमाल होंगे। नाउ आवर टॉपिक इज अबाउट स्टोन वेयर पाइप्स। स्टोन वेयर पाइप्स कौन सी पाइप्स होती हैं? स्टोन वेयर पाइप्स वो पाइप्स होती हैं जो मिट्टी की बनी होती हैं। स्टोन वेयर पाइप्स अंडरग्राउंड ड्रेनेज, इंडस्ट्रियल ड्रेनेज में इस्तेमाल होती हैं। स्टोन वेयर पाइप्स सस्ती पाइप्स होती हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है और ये इंस्टॉल करने में आसान होते हैं, लेकिन ये क्रैक होने के खतरे इनमें बहुत होते हैं। व्हाट आर पीवीसी पाइप्स? पीवीसी पाइप्स कौन सी पाइप्स होती हैं? पीवीसी पाइप्स आम तौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये पाइप्स हल्की बहुत होती हैं, इनका वेट ज़्यादा नहीं होता है और ये पाइप्स नॉन कोरोसिव होती हैं। नॉन कोरोसिव का मतलब यह है कि इन पे करोजन का इम्पैक्ट नहीं होता है और ये पाइप्स इंस्टॉल करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती हैं, ये क्विकली इंस्टॉल हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज क्लोरीनेटेड पीवीसी पाइप्स। क्लोरीनेटेड पीवीसी पाइप्स वो पाइप्स हैं जो हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। गर्म पानी सप्लाई को चलाने में ये बेस्ट चॉइस पाइप्स होती हैं। ज़्यादातर ये पाइप्स इंडस्ट्रियल लिक्विड एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती हैं। अब हमारा टॉपिक है प्रिकॉशंस फॉर लेइंग ऑफ पीवीसी पाइप्स या प्रिकॉशंस फॉर पीवीसी पाइप्स। हमें कौन से एहतियात बरतने होंगे जिससे हम सेफ पैसेज पानी को दे सकें? पहला प्रिकॉशन है वाटर सप्लाई पाइप और वेस्ट डिस्पोजल पाइप्स बहुत नज़दीक इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। दूसरा, हमें ये इंश्योर करना है कि कहीं से बैक फ्लो ऑफ वाटर टूवर्ड्स द सोर्स तो नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट,
हमें क्रॉस कनेक्शंस अवॉइड करने होंगे बिटवीन द वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर। चौथा पॉइंट, पाइप जॉइंट्स बहुत अच्छे से टाइट होने चाहिए ताकि मैक्सिमम वाटर प्रेशर रिसीव हो जाए। Okay, thank you everyone. Stay home, stay safe and stay connected with us.